नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमनली देखे जाने वाले परेशानी ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी या हाइपरटेंशन के बारे में। दोस्तों, ये बीपी की समस्या कैसे होती है, इसके पीछे हमें क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आज मैं आपको बहुत ही अच्छी दो ऐसे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगी जिसको आप लेकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट ब्लड प्रेशर में पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर जानने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड प्रेशर क्या होता है इस बारे में भी जान लेते हैं। तो बीपी क्या होता है? बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर। कहाँ लगाया गया प्रेशर? जो हमारे शरीर में खून की नसें हैं जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं इंग्लिश में, उनकी दीवालों पर लगाया गया प्रेशर। थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो हमारा हार्ट है जब पंप करता है तो खून की नसें हैं उनसे ब्लड हमारे शरीर पूरे शरीर में जाता है। हार्ट का मेनली दो ही स्टेज आप ऐसे समझ लें, एक तो पंपिंग स्टेज और दूसरा रेस्टिंग स्टेज। पंपिंग स्टेज में क्या करता है दोस्तों, हार्ट जब वो पंप करता है तो उसके द्वारा जो खून है पूरे नसों के थ्रू आपके बॉडी में जाता है, और जब उसकी रेस्टिंग फेज होती है तो नसों के थ्रू खून आके आपके हार्ट में भरता है। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस करता है। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब पंप किया तो खून शरीर में बह गया, और फिर रिलैक्स कर रहा है मतलब अब फैला है तो उसमें भर रहा है, हार्ट में आके खून भर रहा है। इन दोनों ही परिस्थितियों में दोस्तों, जो खून की नसें हैं उन पर ब्लड के द्वारा एक प्रेशर लगता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब पंप कर रहा है उस समय जो प्रेशर लग रहा है इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब आके फिल हो रहा है, जब खून भर रहा है उस स्टेज का जो प्रेशर लग रहा है, उस टाइम पे जो प्रेशर लग रहा है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं दोस्तों। तो इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होंगी दोस्तों? जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसका 120 प्लस माइनस 10 बीपी रखा गया है। प्लस माइनस 10 मींस आपका 110 भी अगर है तो भी नॉर्मल माना जाएगा। बहुत लोगों का 110 बीपी रहता है या 130 है तो भी नॉर्मल माना जाएगा। सेम चीज डायस्टोल के लिए हम बोलेंगे कि जब एक 80 प्लस माइनस 10 कि जब अगर 90 है तो भी वो नॉर्मल है, और 70 है तो भी ये नॉर्मल है। तो एक स्टैंडर्ड बता दिया गया है दोस्तों कि 120/80 प्लस माइनस 10 कि 10 ऊपर 10 नीचे नॉर्मल रहेगा। ये हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर हम किसको कहेंगे? जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर चला जाए, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। ये ब्लड प्रेशर की अधिकता आपको हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगी। दोस्तों, अगर हम इनके टाइप की आपको बात बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि दो तरह से होता है ब्लड प्रेशर। ये एक को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है सेकेंडरी ब्लड प्रेशर। प्राइमरी ब्लड प्रेशर दोस्तों 90 से 95% लोगों में प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है जिसका कॉज बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। ये या तो जेनेटिकली हो सकता है मतलब आपके पेरेंट्स की हिस्ट्री में रहा हो, आपके मम्मी पापा दादा दादी में किसी को रहा है तो आपको हो सकता है, या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर किसे बोलेंगे? जैसे आपने बहुत ज़्यादा आप सॉल्ट या नमक का यूज़ करते हैं, आपके शरीर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, वज़न बढ़ा हुआ है, आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो ये सारे कारण आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज कराता है। सेकेंडरी अब किसको बोलेंगे? सेकेंडरी हाइपरटेंशन दोस्तों क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर किसी कारणवश बढ़ रहा हो, ये मात्र 5 से 10% लोगों में देखने को मिलता है दोस्तों, कि अगर ब्लड प्रेशर किसी कारण के वजह से बढ़ रहा है तो हम उसको सेकेंडरी ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मत अब कौन से कारण ऐसे हो सकते हैं दोस्तों? जैसे किसी में क्रॉनिक किडनी डिजीजेस रही हो, मतलब आपकी लंबे समय से किडनी की परेशानी या गुर्दे की परेशानी चली आ रही हो, उसके वजह से अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा हो तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाएगा आपको। या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जैसे आपके कोई हार्मोन रिलेटेड परेशानी है, वैसे हो गया शुगर हो गया थायराइड हो गया, कोई ऐसे हार्मोन रिलेटेड आपकी परेशानी है जिसके वजह से आपका बीपी भी बढ़ रहा है तो ये सेकेंडरी ब्लड प्रेशर हो गया।
तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ बीपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों लैकेसिस 1 mg पोटेंसी, ये देखिए ये मेडिसिन है दोस्तों, इसकी सिर्फ आपको 1-2 बूंद लेनी है महीने में एक बार। उसके बाद आप 1 महीने के बाद फिर से इसकी एक डोज लेंगे। दोस्तों ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है कि क्योंकि जब भी ब्लड अगर गाढ़ा होगा तो ही ज़्यादा वो ब्लड को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा दीवालों पर, तो ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करती है। दूसरी मेडिसिंस मैं 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगी, एक है दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन, दूसरी है मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। इन दोनों ही कॉम्बिनेशंस को आपको अल्टरनेट लेना है। अल्टरनेट का मतलब दोस्तों जैसे आज आप जो मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उसके बाद कल आपको बाय कॉम्बिनेशंस को लेना है, फिर परसों आपको मदर टिंचर लेना है, फिर उसके नेक्स्ट डे आपको बाय कॉम्बिनेशन लेना है। ऐसा आपको हर अल्टरनेट डेज करना है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको मदर टिंचर के बारे में बताती हूँ। नंबर 1 राउल्फिया मदर टिंचर। दोस्तों राउल्फिया मदर टिंचर दोस्तों बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है ब्लड प्रेशर के लिए, ये ब्लड प्रेशर स्मूदन करने में बहुत हेल्प करती है। तो ये एक मदर टिंचर। नंबर 2 पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। दोस्तों पैसिफ्लोरा मदर टिंचर दोस्तों ये आपको रिलैक्सेशन देती है आपकी बॉडी में। कभी कभी एनजाइटी होती है तो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रेज होने लगता है, आपकी मतलब बॉडी को स्मूदन करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। नंबर 3 क्रेटेगस मदर टिंचर। दोस्तों ये देखिए क्रेटेगस मदर टिंचर, ये तीनों ही मेडिसिन दोस्तों आपको सेम अमाउंट में मिलानी है। जैसे आप सपोज एक बॉटल में, अगर जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि ऐसी एक बॉटल ले लें जो एकदम साफ स्टरलाइज बॉटल हो, आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले सकते हैं दोस्तों। और इन सब की आप इक्वल, जैसे सपोज आपने ये तो बड़ी फाइल है, आप 30-30 ml की सील पैक्ड मेडिसिन ले दोस्तों, आप फार्मेसी किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इनकी पैक्ड सील बॉटल लें और उनको 30-30 ml आप इनमें एक बॉटल में मिला लें, और ध्यान रखें कि इसमें एक ड्रॉपर भी होना चाहिए ताकि आपको मेडिसिन डालने में आराम रहे। तो आप इन तीनों ही दवाओं के 30-30 ml को मिला लें तो ये 100 ml बन जाएगा, और एक जो 10 ml का स्पेस है उसको ऐसे ही रहने दें आपको, ताकि बॉडी मेडिसिन को मिक्स करने में आसानी होगी। तो इन तीनों को मिला के आप अपने पास एक जगह रखें, फिर आपको इनकी लगभग 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेनी है दोस्तों। अब दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि फेरमफॉस 6x पोटेंसी, दूसरी कैलीम्यूर 6x पोटेंसी, नंबर 3 कैलकेरिया फॉस। दोस्तों इन तीनों की ही आपको 2-2 गोलियां, मतलब 2 कैलीम्यूर की, 2 फेरमफॉस की, 2 कैलकेरियाफॉस की, तीनों की मिला के मतलब 6 गोली हो गई एक बार में, आपको सुबह में लेनी है, 6 गोली दिन में लेनी है और 6 गोली शाम में लेनी है। आप इनकी कम से कम 1 महीने से 2 महीने तक इन दवाओं को लें और लेने के बाद देखें आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है। ये तो हो गई दोस्तों दवा की बात। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई, जो लैकेसिस 1 mg मैंने आपको बताई थी, ये दवा आप जिस दिन ले रहे हैं उस दिन आप होम्योपैथिक मेडिसिंस कोई भी नहीं लेंगे। कम से कम 3 महीने तक आपको ये प्रोसीजर करना है और उसके बाद आप देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस फील मिलेगा। आप इवन अगर बहुत लंबे समय से चले आ रहा बीपी की प्रॉब्लम है तो वो मेंटेन रहेगी कि बीपी बढ़ाने ना दे, और अगर बहुत ही रिसेंटली डायग्नोस हुआ है दोस्तों तो बहुत सारे केसेस में ये ठीक होता भी दिख गया है। तो क्यूरेबिलिटी रेट भी इसका बहुत हाई मिला है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे के जो भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको फिर नहीं मिल पाएगी। आपको कोई सुझाव देना है या आपको किसी टॉपिक पे मेरे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवार वालों को शेयर करें ताकि उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।